तो फ्रेंड्स आ चुके एक बार फिर से हम अपनी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में, कि कौन कौन सा जो नेक के ऊपर एंटीरियर साइड में जो पोस्टीरियर साइड के अंदर जो ट्रायंगल बनता है कौन कौन सा बनता है। तो दरअसल इन दोनों की ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम आपको सिर्फ एक चार्ट के थ्रू इसको ड्रॉ करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उस वीडियोज़ के थ्रू सबको हम क्लियर करेंगे। तो चलते सीधी वीडियो तक बिना किसी देरी के। बट यार उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं सीधी वीडियो तरफ बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक बहुत बड़ा इसका जो है रोल है अपने किसके अंदर, बॉडी के अंदर या एनाटॉमी के अंदर, क्योंकि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से पार्ट्स को किस किस जगह पर पहचानने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या करता है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखता है एक तरीके से एनाटॉमी के अंदर। इसके अंदर से क्या है कि बहुत सारी वेसल्स जाती है, भाई कौन सा ट्रायंगल से कौन सी वेसल्स जाती है, कौन कौन सी नर्व्स कहाँ कहाँ से होती हुई गुजरती है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरी जो ट्रायंगल ऑफ नेक की एक वीडियो के अंदर, जहाँ पे ये पूरा सेपरेट सेशन चलेगा ट्रायंगल ऑफ नेक, जिसके अंदर इसके जितनी सब ब्रांच है जितने भी इसकी पार्ट्स है मैं सब यहाँ पे आपके सामने क्या करूँगा, कवर करूँगा। तो फिलहाल आज मैं इसके बारे में सिर्फ एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो देखिए ये क्या करती है, जो ये जो ट्रायंगल ऑफ नेक है, ये जो ट्रायंगल ऑफ नेक है ये पता है किस चीज़ के थ्रू डिवाइडेशन होता है इसका, ये नेक का डिवाइडेशन करती है कौन सी मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स, बाई स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स, ठीक है। और ये क्या करती है, डिवाइड करती है किसको, नेक को, कौन कौन से पार्ट के अंदर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर। वैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटनिंग की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो प्लीज़ वन सेकेंड, कहीं मुझे ही तो नहीं दिख रही है। ओके सॉरी गाइस, ये दरअसल मेरे ही मोबाइल में था, ब्राइटनेस कम थी। ओके तो अभी क्या करती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर टीम इसमें क्या डिवाइड करती है, कौन, बाई जो स्टर्नोक्लेडो जो मास्टॉइड मसल्स है वो। अभी यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है इसका, इसका टू पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स में इसका टू पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल। यहां पे मैं ट्रायंगल को ना इस तरीके से ये वाला इस सारे ट्रायंगल के मार्क के रूप में यहां पे लिखूंगा, तो कंफ्यूजन मत होइएगा बिल्कुल भी। अब ये एंटीरियर जो ट्रायंगल रह गया, अब एंटीरियर ट्रायंगल में देखिए आगे की साइड, एंटीरियर में क्या आगे की साइड रह गया। अब एंटीरियर पार्ट को क्या है कि जैसे कि अगर ये मैं मान लीजिए अगर ये अपने अगर नेक का इसको पार्ट बोलूँ, ये इसका एंटीरियर पार्ट है और ये क्या है इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये एंटीरियर पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से ट्रायंगल्स बनाती है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स बनते हैं, जैसे कि सब मैंडिबुलर या फिर डाइगेस्टिक बोलूँ, सेकेंड हो गया सब मेंटल, मस्क्यूलर, कैरोटिड, ये चार टाइप के क्या करती है ट्रायंगल्स बनाती है, टोटल कितने टाइप के, चार टाइप्स के। वहीं जो पोस्टीरियर वो टू टाइप्स के ट्रायंगल्स बनाती है, कौन कौन से, ओसिपिटल और सुप्रा क्रेविकुलर, तो ये कितने टू ट्रायंगल्स बनाती है। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि बनाने में क्या बहुत सारी मसल्स क्या है हेल्प करती है, मसल्स, बोन्स और एक लिगामेंट्स भी इसको बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे सब यूट्यूबर्स ने, मतलब मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने फिर से यहाँ पे गलती की है, वो ये किया है कि उन्होंने इसको भी मसल्स बोला जबकि लिगामेंट है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, वो मसल्स नहीं है, वो लिगामेंट है। इसमें टोटल इस पूरे ट्रायंगल ऑफ नेक को बनाने में टोटल कितने मसल्स का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ फोर मसल्स का ही यूज होता है, वो मसल नहीं है, वो लिगामेंट है। इसको बनाने में टोटल कितनी मसल्स का यूज होता है, टोटल फोर मसल्स का यूज होता है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपने इसको अगर ध्यान से नहीं समझा तो। देखिए अब यहाँ पे टोटल चार मसल्स मैंने कहा है, चार मसल्स पूरे ट्रायंगल ऑफ नेक, और पूरे के पूरे कितने, सिक्स ट्रायंगल्स, टोटल सिक्स ट्रायंगल्स और फोर मसल्स। आपको इसके नाम भी बता दिए, अब मैं आपको सबसे पहले इसके क्या नाम क्लियर कर देता हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल्स बनाती है। देखिए सबसे पहला कौन सा, सब मैंडिबुलर और डाइगेस्टिक। मैं आपको ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब हम डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको कंफर्म करूंगा कि इसको डाइगेस्टिक क्यों बोलते हैं, सब मैंडिबुलर क्यों बोलते हैं, डाई
डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, ये कौन सा हो गया, सबमेंटल, सबमेंटल ट्रायंगल। अब देखिए जो डाइगेस्ट्रिक है वो दरअसल किस किस के बीच में, इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि मैं रखा हूँ जस्ट सामने, अगर एंटीरियर पार्ट है तो यहाँ पे ये बीच में, अगर मैं यहाँ पे अगर एक लाइन खींच दूँ जो कि इसकी सेजेटल लाइन रहेगी, या फिर बोलूँ कि जो कि इसको मीडियल एंड लेटरल पास में डिवाइड करेगी पूरी बॉडी को, जिसका आ पार्ट हो गया या ये नेक मान लीजिए, इसका एक्सियर पार्ट हो गया जिसको एक इमेजिनरी लाइन जिसको उसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यहाँ पे मैं इसको बोलूँ इस तरीके से एक किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे जो क्या रहती है, एक डाइगेस्ट्रिक मसल्स रहती है, इस तरीके से यहाँ पे डाइगेस्ट्रिक मसल्स पाई जाएगी जो कि इसको इस तरीके से कवर करेगी। तो इधर से भी डाइगेस्ट्रिक मसल्स के थ्रू कवर होगा, इधर से भी डाइगेस्ट्रिक मसल्स के थ्रू कवर होगा। कैसे, क्योंकि ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है, तो इसके कारण इसको क्या बोलेंगे, डाइगेस्ट्रिक। अब जो सबमेंटल है, जो सबमेंटल पार्ट होगा, सबमेंटल किस तरीके से बनेगा, जो सबमेंटल पार्ट बनेगा वो सबमेंटल पार्ट पता है कैसे बनेगा, जो ऊपर से तो क्या आ गया, डाइगेस्ट्रिक मसल्स आ गई, ऊपर से क्या आ गई, डाइगेस्ट्रिक मसल्स आ गई भाई, है ना, और नीचे से हायोड बोन आ गई। अब हायोड बोन और ये इसका एंटीरियर पार्ट हो गया, बट इसको सब मेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बोन होती है, कौन सी बोन होती है, ये जो लोअर जो वाली जो बोन होती है, मैंडिबल बोन होती है, इसके टिप से ये निकलती है, उसको वहाँ पे कौन से पार्ट से निकलती है, मेंटल पार्ट, जो वहाँ पे जो मेंटल फोरामोन होता है वहाँ से ही निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब मेंटल ट्राइंगल। जो नेक्स्ट हो गया, अब जो नेक्स्ट ट्राइंगल की मैं बात करूंगा वो रहेगा मस्कुलर ट्राइंगल, मस्कुलर ट्रायंगल। अब मस्कुलर ट्रायंगल किस किस तरीके से किस किस से कवर रहता है, या फिर इसके चारों तरफ कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है, जो मस्कुलर ट्रायंगल रह गया, दरअसल देखिए ना यहाँ पे एक जो मसल्स आएगी, कौन सी मसल्स, एक तो जो मसल्स आएगी कौन सी वाली आएगी, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स, और जो दूसरी मसल है, दूसरी मसल्स कौन सी है, दूसरी मसल्स है ओमोफोइड मसल्स, और आगे की साइड ये इसका एंटीरियर पार्ट, इसको एंटीरियर पार्ट है वो उसको क्या करेगा, कवर करेगा, या फिर बोलूँ तो ये इसकी एक इमेजिनरी क्या हो गई, लाइन हो गई। अब ये इसकी इमेजिनरी लाइन और ये इसकी स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स, और ये इसके क्या हो गया, ओमफोइड मसल्स, ये बना के एक ट्राइंगल बनाएंगे, और उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, मस्कुलर ट्राइंगल। अब इसको मस्कुलर ट्राइंगल भी इसलिए बोला क्योंकि चारों तरफ से क्या मसल्स के पार्ट से घिरी हुई है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो एक और ट्राइंगल बनाएगी, एंटीरियर पार्ट जो इसका ट्राइंगल बनाएगा, कौन सा बनाएगा, कैरोटिड ट्राइंगल। अब कैरोटिड ट्राइंगल कौन कौन सी मसल्स से रहेगा, देखो ये कौन सी मसल्स आ गई, ये आ गई, अब मैं आपको डायग्राम में सब क्लियर करूंगा। दरअसल ये जो कैरोटिड जो ट्राइंगल रह गया वो किस किस से, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स से, ये कौन सी मसल्स थी, ये थी ओमफोइड मसल्स, ओमफोइड या इंफ्राहाइड मसल्स बोल दो, जो कि मसल्स के क्या जस्ट नीचे से गुजरती है, और यहाँ से एक मसल्स ये वाली थी जो थी डाइगेस्टिक मसल्स, जो इंफ्राहाइड मसल्स या ओमफोइड मसल्स, ये हो गई कौन सी, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स। तो ये चारों या तीनों मसल्स में इसकी कौन सा ट्राइंगल बनाएगी, कैरोटिड ट्राइंगल, और ये सब कवर करेगा कौन, एंटीरियर ट्राइंगल। ओके, अब एंटीरियर ट्राइंगल का मैं सब आपको बताऊंगा कौन कौन से बॉर्डर से कौन कौन से क्या है, अभी इसी चार्ट में हम सब क्या यहाँ पे कवर करेंगे। पोस्टीरियर के अंदर यहाँ पे सिर्फ टू ट्राइंगल्स पाए जाते हैं, टू ट्राइंगल्स कौन कौन से, फर्स्ट ट्राइंगल जो इसके अंदर होगा वो होगा ओसीपिटल ट्राइंगल, और सेकेंड वाला होगा कौन सा, सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल। अब देखिए ना ओसीपिटल जो ट्राइंगल है, अब इसको ओसीपिटल क्यों बोल रहे हैं, दरअसल ये क्या करती, जैसे कि पिजिक साइड से ट्रेपेजियस मसल्स आ गई, पोस्टीरियर साइड में रह गए ना, तो ट्रेपेजियस मसल्स आ गई, यहाँ पे स्टर्नो, अब देखो सबसे मेन जो मेन चीज है इसके अंदर स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड है, क्योंकि पूरे जो इस गर्दन को क्या करता है, डिवाइडेशन करती है सिर्फ ये एक मसल्स, तो ये कौन से मसल्स आ गई, ये ट्रेपेजियस मसल्स आ गई, ये पीछे से स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स आ गई, और इसके जस्ट नीचे से ये गुजरेगी कौन सी, इंफ्राहायोड या फिर ओमफोहायोड मसल्स, ये पोस्टीरियर साइड के अंदर ये बनाएगी, तो ये कौन सा रहेगा, अब ओसीपिटल। अब ओसीपिटल क्यों है, क्योंकि जिस जगह पे आप ये जो नोच देख रहे हो ना, जो नोच मिल रही है, ये कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी मैस्टॉइड प्रोसेस के अंदर, और मैस्टॉइड प्रोसेस कहाँ पाया जाता है, मैस्टॉइड प्रोसेस कहाँ पाया जाता है, हम सबको पता है मैस्टॉइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन के अंदर पाया जाता है, टेम्पोरल जहाँ पे ओसीपिटल बोन रहती है ना, टेम्पोरल बोन के पास में जो ओसीपिटल बोन रहती है, वहीं पे क्या है कि इसका मैस्टॉइड प्रोसेस जाता है, तो उसी के नाम से इसको क्या बोला गया है, सुप्रा क्लेविकुलर, सॉरी ओसीपिटल ट्राइंगल।
और जो सुप्रा क्लेविकुलर की अगर बात करें तो सुप्रा क्लेविकुलर वो जो है वो कैसे बनता है, सुप्रा क्लेविकुलर कैसे बनता है, देखिए सुप्रा क्लेविकुलर बनाने के लिए एक मसल्स जाएगी कौन सी वाली, ओम्फोहाइड, एक मसल जाएगी कौन सी जो कॉमन है, इन सब की है ये की ऑफ, ये इसका क्या है, ये इसका की मसल है, सॉरी इसकी क्या है की मसल है, की मसल क्यों, ये हर मसल्स के अंदर इसका क्या पार्ट रहेगा कोई ना कोई इसका एक तरीके से, मतलब उसके अंदर उसके डिवाइडेशन में या फिर उसके अंदर क्या है कि एक तरीके से इसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो रोल तो रहेगा ही रहेगा, इसका इंपॉर्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। वहीं मैं बात कर रहा था ना इसकी इस सुप्रा क्लेविकुलर की, तो देखिए ये क्लेविकल बोन हो गया, ये क्या हो गया, ये होम्फोहाइड, और ये कौन सी बोन हो गई, ये हो गई स्टर्नोक्लेडोमस्टर्ड मसल्स। तो इन तीनों के बोन से देखिए ये किसके ऊपर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है क्लेविकल बोन के ऊपर, इसीलिए इसका नाम क्या है, ओसीपिटल बोन, ओसीपिटल ट्रायंगल। अब यहाँ पे मैं इसके बॉर्डर्स की बात करता हूँ, तो बॉर्डर्स देखिए यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर्स की बात, यहाँ पे लाइट जा चुकी है, मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ पोस्टीरियर बॉर्डर की। मैं यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास है इसके अंदर इतना स्पेस मतलब नहीं लगेगा इसके अंदर पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर। तो सबसे पहले पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर जो पहली मसल्स है कौन सी मसल्स इसमें रोल कर रही थी ना, इसके अंदर कौन सी मसल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी मसल्स, स्टर्नोक्लेडो मसल्स, दूसरी ट्रेपेजियस, और थर्ड ओम्फोहाइड मसल्स। वैसे ओम्फोहाइड के साथ साथ यहाँ पे क्लेविकल बोन भी आना चाहिए, बट मसल्स की बात करें तो ओम्फोहाइड मसल्स यहाँ पे क्या करेगी, एक इंपॉर्टेंस रोल करेगी। तो मैं यहाँ पे इसके तीन नाम लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे ओम्फोहाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्लेविकल बोन ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी मतलब यहाँ पे सिर्फ हम इसके अटैचमेंट्स हैं, इसके कंटेंट्स की बात करें कि किस किस से अटैच रहेगा। देखिए पोस्टीरियर के अंदर एक साइड कौन सा, सॉरी मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कौन कौन से बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स की बात हम बाद में करेंगे, मैं यहाँ फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसके कंटेंट्स की बात करूंगा कि कौन कौन सा कंटेंट है, किस किस से जुड़ी रहती है। तो सबसे पहले कौन सी, स्टर्नो क्लेडो मैस्टोइड मसल्स, ठीक है, एक तरफ कौन सी मसल्स जुड़ी रहती है, स्टर्नो क्लेडो मैस्टोइड मसल्स, दूसरी साइड कौन सी मसल्स रहेगी, ट्रेपेजियस, थर्ड साइड में होमोहाइड मसल्स। अब होमोहाइड का कौन सा पार्ट, होमोहाइड का यहाँ पे पार्ट रहेगा कौन सा वाला, इन्फीरियर पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो लास्ट में रहेगा कौन रहेगा, क्लेविकल बोन। ओके ये हो गए टोटल इसके पोस्टीरियर ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट जो इससे अटैच रहते हैं, फिर जिसके थ्रू इसके दोनों, ये जो दोनों हैं ट्रायंगल से क्या करते हैं, बनते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एंटीरियर ट्रायंगल। अब देखिए एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी टोटल क्या फोर फाइव कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट यहाँ पे डायगैस्ट्रिक मसल्स। अब यहाँ पे डायगैस्ट्रिक मसल्स क्या है, टू पार्ट्स कौन कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। हमने बताया था ना कि इसका एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट मिलकर डायगेस्ट्रिक एरिया बनाएगा, डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल बनाएगा। अब देखो जो डायगेस्ट्रिक जो ट्रायंगल है वो क्या करता है, जस्ट बिलो टू द लोअर जो, मतलब लोअर जो जो है उसके जस्ट ऊपर की साइड में, मतलब सॉरी जस्ट नीचे की साइड में क्या होता है, वहां पे अटैच रहती है योर डायगेस्ट्रिक मसल्स। और ये क्या काम करती है, जो एलिवेट करने के काम में करती है, एलिवेट करती है किसको, हाइड बोन्स को, जब मुंह खुलता है और जब मुंह बंद होता है तो वहां पे जो हाइड मसल्स रह गई, ये वहां पे जो हाइड बोन रह गई वहां पे क्या करती है, इसको एलिवेट करने के काम में आती है जब वो डिप्रेस्ड हो जाती है। सेकंड कौन सा कंपोनेंट उसका होगा, इसका सेकंड इसका होगा हाइड बोन। थर्ड इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, होमोहाइड मसल है ये। इसको चाहे तो अपन
मतलब इसको ओमफोइड बोल सकते हैं, ओमफोइड मसल्स बोल सकते हैं, फिर ओमो हायोइड मसल्स बोल सकते हैं, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कौन सी हो गई, होमो हायोइड मसल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मसल्स कौन सी, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा रहेगा, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स, स्टर्नो क्लेडो मैस्टोइड मसल्स। अगर ये तो एक की मसल है, अगर आपने इसको नहीं लिखा तो मतलब आपने इसको अभी तक कुछ समझा ही नहीं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे सबके सभी यूट्यूबर्स ने, मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने क्या गलती की है, कौन सी गलती की है, ये जो मसल्स रहेगी ये मसल्स नहीं है, जो सबने बोला है कि ये मसल है, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट। अब यहाँ पे कई कुछ कमेंट कर सकते हैं कि भाई तू सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया क्या, दरअसल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये जो स्टाइलो हायोइड जो लिगामेंट है, वो कहाँ से, जो स्टाइलोइड प्रोसेस निकलती है ना, जब टेम्पोरल बोन पाई जाती है, जो टेम्पोरल बोन होती है वहाँ के स्टाइलोइड प्रोसेस से निकलती है स्टाइलो हायोइड लिगामेंट, और ये कहाँ पे जाके जुड़ती है, ये जुड़ती है हायोइड बोन पे। अब वो हायोइड बोन पे जो जुड़ती है, अब हायोइड बोन पे क्यों जुड़ती है, मतलब जब अपन मुंह खोलते हैं और मुंह जब बंद करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हायोइड बोन को क्या डिप्रेस करने का काम करता है, ये डिप्रेस करती है, और जो होमो हायोइड रह गई ये क्या करती है उसको, मतलब मुंह को, सॉरी डायजेस्टिक मसल्स रह गई वो क्या करती है उसको एलिवेट करने का काम करती है। तो इन दोनों का काम एक दूसरे के जस्ट साथ में ही चलता है, अपन मुंह जब खोलते हैं या मुंह बंद करते हैं तो जो हायोइड बोन है उस पर जब डिप्रेस पड़ना या एलिवेट होना, वो इन दोनों के ऊपर क्या करेगा, मसल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो स्टाइलोइड प्रोसेस की जो मैं बात की हूँ ना टेम्पोरल के ऊपर, वो क्या करते हैं, वो किस किस से अटैच रहती है, वो रहती है स्टाइलो हायोइड लिगामेंट से, स्टाइलो फेरेंजिस से, और स्टाइलो ग्लोसस मसल से, जिसके बारे में हम, जब इसके बारे में टेम्पोरल बोन के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलरली जब इसका पूरा टेम्पोरल बोन का जब वीडियो आएगा तब उसके बारे में पढ़ेंगे, तब इसको पूरा पूरा क्लियर डिटेल्स में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गए इसके टोटल कितनी मसल्स, एंटीरियर बॉर्डर्स की ये सारी मसल्स रह गई। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किसकी, इसके टोटल बॉर्डर्स की। तो यहाँ पे बॉर्डर्स का कोई भी इतना कोई खास नहीं है, मैं फिर भी आपको अच्छे से ये पूरा जो टॉपिक है ना अच्छे से कवर करवाऊंगा, ताकि मतलब इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कितनी मसल्स काम में आ रही है, मैंने बोला था यहाँ पर टोटल सिर्फ और सिर्फ 4 मसल्स काम आ रही है। फर्स्ट कौन सी, स्टर्नो हायोइड मैस्टोइड मसल्स, मैं टोटल इसकी बात कर रहा हूँ, किसमें, इस ट्राइंगल ऑफ नेक बनाने में, पूरे ट्राइंगल ऑफ नेक बनाने में कितनी मसल्स काम आ रही है, फर्स्ट स्टर्नोक्लेडो मैस्टोइड मसल्स, सेकेंड ट्रेपेजियस मसल, थर्ड होमोहायोइड मसल्स, और फोर्थ डायगेस्टिक मसल्स। उसके अलावा होमोहायोइड यहाँ पे हमने पहले लिख दिया, स्टेनोक्लेड भी हमने काउंट कर लिया, तो टोटल सिर्फ 4 मसल्स इसमें क्या है, पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पे अभी हम देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्राइंगल। तो गाइज आई थिंक आज के लिए बस वीडियो इतना ही, आज के लिए बस ये वाला जो चार्ट है वो बहुत काफ़ी है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं अगले इसके जो सेकंड पार्ट के अंदर है, इसके बॉर्डर के साथ साथ में, इसका पूरा डायग्राम के साथ साथ में इसका पूरा बॉर्डर आपको क्लियर करूंगा कि कौन कौन सा बॉर्डर उसका रहेगा, कौन कौन सा, मतलब उसके जो डायग्राम से कहाँ कहाँ पे उस तरीके से, मतलब सुपीरियर जैसे पार्ट रह गया, मिडिल पार्ट रह गया, लेटर पार्ट रह गया, तो वहाँ पे मतलब आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा कि मैं वहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो यार गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। और बस मिलते फिर से अगली वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट के साथ में मैं जरूर लिख आऊंगा, जिसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो मिलूंगा मैं फिर से आपसे अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।